लोकसभा चुनाव को लेकर कोटा में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चर्चाएं की गई। इस मौके पर डीजीपी कपिल गर्ग ने भी कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चाएं की और बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी तैयारियों का फीडबैक लिया गया और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कोटा संभाग के सभी जिला कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। जो चर्चा हुई है वो इलेक्शन रिलेटेड हमारी क्या तैयारियां हैं, जो भी हमारा इलेक्शन का पोल मटेरियल है आ गया है, जो हमने इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार सी विजिल आईटी एप्लीकेशंस का स्वीप का उनकी क्या तैयारियां हैं, जो वोटर्स के सुविधा के लिए जो जो चीज़ें एक्शंस लेने थे वो कर लिए गए हैं, फिजिकली चैलेंज जो इसमें हमारे लोग हैं उनके लिए क्या व्हील चेयर्स की व्यवस्था और उनको लाने की व्यवस्थाएं सब कर ली गई हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, शेड वगैरह, इस सब की क्या व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत की है। कानून व्यवस्था को लेकर आज के प्रेजेंटेशन से जो हमारी चर्चा हुई मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और विश्वास है कि कोटा रेंज में लोकसभा चुनाव पूरी शांति से और फेयर एंड फ्री होंगे, तो विशेष ऐसी कोई बात नहीं आई। अभी कितना पुलिस बल तैनात किया जाएगा ये अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार से पुलिस बल आता है उसकी संख्या निर्धारित नहीं हुई, लेकिन मोटे रूप से देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।